उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। लगातार बैठकें हो रही हैं और उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर चल रहा है और इसी क्रम में आज दिल्ली में फिर से भाजपा का मंथन होने जा रहा है। आज दिल्ली में यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुला ली गई है। इसमें उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज से दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की दो दिनों की बैठक शुरू होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। इस बैठक में क्या निकल कर आता है, इस पर सबकी निगाहें। दो दिन का महामंथन दिल्ली में भाजपा का। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी दिग्गज इस महामंथन में शामिल होंगे दो दिनों तक। चलिए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। अविनाश तिवारी से दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं, बलराम पांडे लखनऊ से हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले दिल्ली चलेंगे। अविनाश, ये बैठक कब शुरू होगी, कहां होगी? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो शाम को 5 बजे ये बैठक शुरू होगी, बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में ये बैठक होगी। क्योंकि अगर बात करें तो पहले दो फेज के लिए बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दिया है। 8 उम्मीदवार उसमें से भी अभी बचे हुए हैं। हमें जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी निषाद पार्टियों को कुछ सीट दी जाएगी और आज इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 172 उम्मीदवारों को लगभग बीजेपी ने फाइनलाइज कर लिया है। बाकी बचे अन्य उम्मीदवारों के नाम को लेकर के आज मंथन होगा दिल्ली में। कल केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने साफ तौर पे ये जरूर स्पष्ट किया है अपनी ओर से कि किसी भी बीजेपी के सांसद को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमको सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है वो ये है कि जितने भी सिटिंग सांसद हैं या फिर बीजेपी के अन्य नेता हैं, उनके पुत्र या उनके परिवारजन को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि अगर उनके परिवार से कोई पहले से विधायक है तो उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसके नाम पर मंथन जरूर किया जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो पहले से बीजेपी में नेता हैं और उनके पुत्रों के लिए टिकट मांग रहे हैं। आज अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी पहले 3 फेज के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन कर चुकी है, आज चौथे पांचवें फेज के उम्मीदवारों के नाम को लेकर के मंथन करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में बीजेपी अपने तमाम सारे उम्मीदवारों का चयन कर लेना चाहती है जिससे कि आगे प्रचार में उसको दिक्कतें न हो। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 तारीख से उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में जाएंगे और बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। जो बदले हुए हालात है जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ इंडोर परिसर में ही 300 लोगों तक की जनसभा करने की इजाजत है, उसी के तहत बीजेपी अब 300 लोगों तक के लेकर ही जनसभा करने जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत है, इसको लेकर भी बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। आज भी अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रचार करना है, इसको लेकर अंतिम रणनीति बनाई जाएगी और कल से बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएगी। तो तमाम सारी रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की ओर से और आज बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के नाम को लेकर के मंथन होगा। शाम 5 बजे ये बैठक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होगी। ठीक है, बलराम पांडे हमारे साथ हैं लखनऊ से। अब बलराम, अविनाश कह रहे हैं कि जो बीजेपी के स्थापित नेता हैं, सांसद हैं, उनके पुत्रों को अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो टिकट नहीं मिलेगा। आपके पास क्या जानकारी है, क्या इस प्रकार की किसी डिमांड की जानकारी आपको है, और अगर है तो किसने की है? देखिए राजेंद्र, अगर हम परिवार के सदस्यों को टिकट देने की बात की जाए तो साफ तौर से अमित शाह जी ने कह दिया है कि किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दी जाएगी। अगर उसका घर का कोई सदस्य है और उसके लिए टिकट मांगी जाती है तो उसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है। ऐसे में अंदर खाने में कई नेता ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं, कोई अपनी बहू के लिए टिकट मांगने की कोशिश कर रहा है तो कोई बेटे के लिए मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर खाने में सारी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी उभर के कोई नहीं आया है। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव को लेकर के कोर ग्रुप की बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी वो भी शामिल होंगे, बीएल संतोष के साथ साथ आपके सुनील बंसल जी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये बैठक काफ़ी अहम है और प्रत्याशियों को लेकर के इस बैठक में मंथन होगा कि आखिरकार किस तरीके के जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है
उनमें किन किन को चुना जाए, क्योंकि दो लिस्टों पर मंथन होगा राजेंद्र। पहली लिस्ट वो जो प्रदेश नेतृत्व ने केंद्र नेतृत्व को सौंपी है, और दूसरी लिस्ट वो जो केंद्र नेतृत्व ने सर्वे के जरिए प्रत्याशियों को चिन्हित किया है। उसके बाद उनकी कैपेबिलिटी, उनका उनकी कार्यशैली और जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा कि आखिरकार उन प्रत्याशियों की लोकप्रियता क्या है, स्वच्छ छवि के हैं या नहीं है। कई बिंदुओं पर मंथन होगा और यही वजह है कि दो दिनों तक ये मंथन चलेगा और 19 तारीख को इन प्रत्याशियों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी आज और कल दो दिन काफी महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से ये बैठक चल रही है और बीजेपी भी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा की जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में जाए, चुनाव प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क हो सके, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है चुनाव का। 7 चरणों में चुनाव होना है और 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी पूरी तैयारी में और फुल फॉर्म में दिख रही है चुनाव प्रचार को लेकर के। जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी है उसको लेकर के भी पार्टियां पहले से ही तैयारी कर रही थी, और खास तौर से अगर हम बीजेपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्चुअल मीटिंग लगातार बीजेपी की जारी है जी। और पिछले 2 दिनों से लखनऊ में टिकटों को लेकर के मंथन चल रहा था। 15 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लगभग 2 घंटे तक मैराथन बैठक की, सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा कल भी पूरे दिन बैठक का दौर जारी रहा, यानी कहा जा सकता है कि कोर कमेटी की बैठक से पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज की गई है। सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा प्रत्याशियों को लेकर के, और कौन कौन प्रत्याशी चयनित किए जाएंगे उसकी भी एक लिस्ट तैयार की गई है प्रदेश नेतृत्व की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश नेतृत्व किन पार्टियों, किन किन प्रत्याशियों को लेकर के नेतृत्व के सामने अपनी बात को रखता है, और केंद्रीय नेतृत्व सभी मंथनों के बाद किन प्रत्याशियों पर मोहर लगाता है, इसका भी इंतजार प्रदेश की जनता को है। लगातार जो समर्थक की जनता को है, बीजेपी के समर्थकों को है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को है, बीजेपी के उम्मीदवारों को है, और जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उन सबको है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अविनाश और बलराम। तो एक तरफ दिल्ली में भाजपा आज उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन करेगी, वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने साथी दलों के साथ भी कदम ताल कर रही है, उसको मजबूत कर रही है। खबर है कि डॉक्टर संजय निषाद आज दिल्ली आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आज भाजपा के साथ गठबंधन पर संजय निषाद की फाइनल बात होगी और इस पर मुहर लगने की संभावना भी है। आज संजय निषाद की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से होगी, और दिल्ली पहुंचने से पहले एक इंटरव्यू में संजय निषाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर निषाद पार्टी से भाजपा गठबंधन क्यों कर रही है। यूपी में निषाद वोट बैंक की ताकत आपको समझाते हैं। यूपी में निषाद वोट बैंक का निषाद केवट मल्ला वोट मिलाकर करीब 5% होता है। करीब 60 विधानसभा सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में। कौन सी सीटें आपको अभी बता दें, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर में निषाद वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में ही मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और प्रयागराज में इनकी भूमिका अहम है। फतेहपुर और हमीरपुर की सीटों पर भी निषाद वोटर महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं। इतिहास आपको बता दें इस पार्टी का, साल 2013 में इसका गठन किया गया, संजय निषाद के द्वारा ही किया गया। मल्ला समुदाय की 553 उपजातियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। 2017 में पीस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, 72 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। 2017 में निषाद पार्टी की सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई, ज्ञानपुर सीट से विजय मिश्रा विजयी बने। 2017 चुनाव में 5,40,000 से ज्यादा वोट मिले इस पार्टी को, और 2017 में संजय निषाद गोरखपुर ग्रामीण सीट से चुनाव हार गए। 2018 में गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ और सपा के सिंबल पर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद उम्मीदवार बने और भाजपा प्रत्याशी को उन्होंने हरा दिया। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों की और उस पर मुख्यमंत्री योगी के एक्शन की। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक रोज कोरोना के नए मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 1,00,000 के पार हो चले हैं। हालांकि सीएम योगी को भी
इसकी पूरी चिंता है, इस पर वो नजर बनाए हुए हैं, लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में आज वो गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में सीएम योगी संतोष हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1 बजे इस अस्पताल में पहुंचेंगे और कोरोना को लेकर जो तमाम इंतजाम है वहां पर उसे खुद देखेंगे। इसके बाद वो प्रेस से बातचीत भी करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि गाजियाबाद में कोरोना के मामले 11,000 के पार जा पहुंचे हैं और ऐसे में अब स्थिति पर नजर रखना बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही मुख्यमंत्री योगी निरीक्षण पर निकल रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी वो कई अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर 3 जनवरी की है, जब वो वैक्सीनेशन का निरीक्षण करने वो लखनऊ के एक अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने वैक्सीनेशन के साथ साथ अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारियां देखी। इसके अलावा सीएम योगी 10 जनवरी को लखनऊ के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया था। और इसके साथ साथ 15 जनवरी को गोरखपुर में थे, वहां पर उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर तमाम इंतजाम देखे थे। आखिरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है वो कल की है, बीते हुए, जब वो केजीएमयू अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने इंतजाम देखे। आज वो गाजियाबाद पहुंच रहे और वहां पर जो कुछ वो देखने वाले हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं शक्ति सिंह, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से। शक्ति सिंह, गाजियाबाद में जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे संतोष हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। हम उसी संतोष हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हैं। इसी संतोष हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर अधिकारियों से बात करेंगे कि कोरोना को लेकर कोई भी कसर, कोई भी कमी ना रह पाए, क्योंकि गाजियाबाद में दिन प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 1 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। अगर इस कैजुअल्टी की बात करें तो कैजुअल्टी भी 24 घंटे के अंदर 10 मौत हो चुकी है कोरोना को लेकर। तो प्रदेश के मुखिया को इस समय चिंता है, कोरोना की चिंता है। और दूसरा, एक तरफ चुनाव भी नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय चिंतित हैं। और चिंतित होने के चलते चलते मुख्यमंत्री लगातार इस समय अपने कोरोना को लेकर दौरे कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से वार्ता भी कर रहे हैं कि कोरोना की रोकथाम के लिए इस समय क्या किया जा रहा है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज गाजियाबाद में आ रहे हैं, तो गाजियाबाद में आने के बाद यहाँ पर इस अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री एक प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ पर जो इस समय हम देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सुबह का समय है, तो यहाँ पर जो साफ सफाई का जो काम है वो इस समय चल रहा है। जो अस्पताल का जो स्टाफ है, स्टाफ इस समय यहाँ मौजूद है। और मुख्यमंत्री क्योंकि दोपहर में 1 बजे पहुँचेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कुछ देर बाद यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो पुलिस होगी, पुलिस भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर आएगी। संतोष अस्पताल का ही चुनाव क्यों किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा? शक्ति, ये जरूर बताएं, संतोष अस्पताल का निरीक्षण क्यों करेंगे? गाजियाबाद में जो और अस्पताल है उनकी क्या स्थिति है? संतोष अस्पताल का यहाँ पर चयन क्यों किया गया? देखिए, अगर संतोष अस्पताल की बात की जाए तो संतोष अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित किया हुआ और सरकार ने इसे लिया हुआ है। तो यहाँ पर संतोष अस्पताल एक सरकारी अस्पताल के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसे अधिग्रहण किया हुआ है कोविड मरीजों के लिए। तो इसे कोविड अस्पताल घोषित किया हुआ, अगर यहाँ अगर मरीज जो भी बीमार होते हैं और उसे सरकारी उपचार की जरूरत पड़ती है तो संतोष अस्पताल में ही यहाँ पर मरीज को लाया जाता है सरकार की तरफ से। संतोष अस्पताल का चुनाव इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा इसको लिया गया है कोविड अस्पताल के तौर पर, ये अस्पताल काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चुनावी मौसम में नेता क्रिकेट के मैदान पर भी चौके छक्के लगाकर अपना सियासी हित साधते रहते हैं। आगरा उत्तरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद बंसल स्पोर्ट्समैन के रूप में दिखाई दिए। विनोद बंसल ने क्रिकेट खेल रहे युवाओं के साथ चौके छक्के लगाए और उनसे चुनाव में अपने लिए समर्थन मांगा। आपको बताएं कि विनोद बंसल आगरा के दयालबाग रोड स्थित एक मैदान पर पहुंचे। तस्वीर देख लीजिए, विनोद बंसल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहुंच गए मैदान में, युवा क्रिकेट खेल रहे थे, इन सबके साथ उन्होंने थोड़ी देर क्रिकेट खेला, बल्लेबाजी की, उनसे बात किया और बातचीत में उन्होंने अपने लिए समर्थन भी मांग लिया और अच्छी बैटिंग करते दिखाई दिए। खेल का मजा खेल से है। खेल से आप तो खुद प्लेयर रहे। बिल्कुल रहे, बीएसएनएल में था तब,
आगरा में क्रिकेट खेला हूँ। अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप आगरा उत्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तमाम जो युवा हैं ये वो एज ग्रुप के लोग हैं जो वोट करेंगे, मतदान करेंगे, कैसे अपील करेंगे आप बताइए। देखो भाई, खेल का मैदान सही चाहिए, बैटिंग पे खेलना हो और तुमने बॉलर हो बैट्समैन हो, कवर ड्राइव नहीं मार सके, स्क्वायर शॉट नहीं मार सके और शॉर्ट लेग पे फील्डिंग नहीं कर सके तो क्रिकेट खिलाड़ी नहीं। लखनऊ में आज आजाद समाज पार्टी की बड़ी बैठक की खबर आ रही है। आजाद समाज पार्टी की कोर कमेटी की आज लखनऊ में बैठक होगी। सुबह 11 बजे आजाद समाज पार्टी की बैठक शुरू होगी। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे चंद्रशेखर आजाद और आज आगे की रणनीति भी बताएंगे वो। उनके तमाम प्रयास निष्फल साबित हुए समाजवादी पार्टी के साथ। बाद में उन्होंने अखिलेश यादव को दलित विरोधी करार देते हुए किसी गठबंधन से इनकार किया, लेकिन आज वो बैठेंगे 11 बजे, उनकी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है और फिर 12 बजे वो प्रेस से बातचीत करेंगे और अपनी आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। इसलिए ये बैठक है क्योंकि अंतिम रणनीति पर फैसला आज हो जाएगा आजाद समाज पार्टी की। तमाम जो चर्चाएं थी उनकी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की वो समाप्त हो गई उनके खुद के बयान के साथ, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को दलित विरोधी करार दिया। और एक बड़ी और अफसोसनाक खबर आपको बता दें कि देश के मशहूर कथक नर्तक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वो 83 वर्षों के थे। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को उन्हें हार्ट अटैक आया। उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया के जरिए महाराज जी के निधन की सूचना दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का असली नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ। पंडित बिरजू महाराज रविवार रात करीब 12 बजे तक अपने नाती पोतों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे। अंताक्षरी खेलते खेलते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, वो बेहोश हो गए। उन्हें दिल्ली के साकेत अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित बिरजू महाराज के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। भारतीय कला क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम बिरजू महाराज, बहुत सारे शिष्य उनके और हिंदी फिल्मों में भी उनके शिष्यों ने बहुत शानदार काम किया। बच्चों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे रात के 12 बजे तक, फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, बेहोश हुए, अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।